जैसे कि स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, पहला क्वेश्चन है द सोल्जर हैज पेंड बाई, द सोल्जर हैज पेंड बाई, यानी कि सोल्जर जो है वो पेंड किया गया है, तो किसके द्वारा पेंड किया गया, तो रूपर्ट ब्रूक के द्वारा। तो इसका बिल्कुल ट्रिक से याद कराया गया है, आप उसको जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो द सोल्जर किसके द्वारा लिखा गया है, तो रूपर्ट ब्रूक के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूपर्ट ब्रूक वॉज बॉर्न इन, रूपर्ट ब्रूक वॉज बॉर्न इन, तो यहाँ पे राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1887 में रूपर्ट ब्रूक का जन्म हुआ। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करना है रूपर्ट ब्रूक वॉज डाइड इन, रूपर्ट ब्रूक वॉज डाइड इन, यानी कि रूपर्ट ब्रूक जो है उसकी मृत्यु कब हुई, तो यहाँ पे राइट आंसर जो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि 1915 को, यानी कि 1915 को रूपर्ट ब्रूक की मृत्यु हुई। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करा रूपर्ट ब्रूक वॉज डाइड ऑफ, रूपर्ट ब्रूक वॉज डाइड ऑफ, यानी कि रूपर्ट ब्रूक जो है वो उसकी जो मृत्यु हुई थी वो किसके कारण हुई थी, इस बीमारी के कारण डाइड ऑफ आ गया, डाइड के बाद ऑफ आ गया, तो यहाँ पे कोई ना कोई बीमारी होगा, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेप्टिसेमिया इसको बोलते हैं, शॉर्ट में सेप्सिस भी बोलते हैं। इसका मतलब होता है रक्त विषमता, यानी कि रक्त में जहर का मिल जाना, उसको बोलते हैं सेप्टिसेमिया। तो ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन करा रूपर्ट ब्रूक डाइड एट द एज ऑफ 10 ईयर्स, रूपर्ट ब्रूक जो है जैसे हम लोग जानते हैं 1887 में उसकी पैदाइश हुई, यानी कि उसका जन्म हुआ, और 1915 में उसका डेथ हो गया, यानी कि कितना साल, तो यहाँ पे देख सकते हैं इधर 13 या 12 मान सकते हैं, इधर 15, यानी कि टोटल 27 ईयर्स हो जाएगा। रूपर्ट ब्रूक जो है वो 27 ईयर्स के एज में उसकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन करा हिज फेमस पोएम्स आर, उसका जो है फेमस पोएम्स, तो इनमें से कौन कौन सा है, तो यहाँ पे फर्स्ट में है द पीस, नेक्स्ट है द डेड, उसके बाद सी नंबर में है ब्लू एवनिंग, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये तीनों जो है उसका जो फेमस पोएम्स है। तो ध्यान रखेंगे, ऐसा भी क्वेश्चन दे सकता है जो इनमें से कौन रूपर्ट ब्रूक का पोएम नहीं है, तो तीन ऑप्शन ये इनमें से दे देगा और एक अलग ऑप्शन दे देगा, तो ऐसा भी हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है डैश इज रिमेंबर्ड एज अ वॉर पोएट, किसको वॉर पोएट के रूप में रिमेंबर किया जाता है, यानी कि किसको वॉर पोएट के रूप में जाना जाता है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रूपर्ट ब्रूक। अगला क्वेश्चन कह रहा है द सोल्जर इज अ डैश पोएम, द सोल्जर इज अ डैश पोएम, तो द सोल्जर जो है ये एक वॉर पोएम है, क्या है वॉर पोएम, यानी कि ये वॉर वाला पोएम है, द सोल्जर नाम ही से पता चल रहा है सैनिक है, तो ये वॉर वाला पोएम ही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है रूपर्ट ब्रूक प्रेजेस, रूपर्ट ब्रूक जो है वो प्रेज किया, प्रशंसा किया, किसके बारे में प्रशंसा किया, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इंग्लैंड के बारे में, क्योंकि वो इंग्लैंड के ही थे, इसलिए इंग्लैंड के बारे में वो इसमें प्रशंसा किए। चलिए अब हम लोग 10th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 10th नंबर क्वेश्चन कह रहा है द सोल्जर बिलोंग टू डैश, सोल्जर जो है वो जो सैनिक थे वो कहाँ से बिलोंग करते थे, तो वो बिलोंग करते थे इंग्लैंड से, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको जितना वेरी वेरी बोला जाए उतना कम है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है द पोएम कंजिस्टिंग ऑफ डैश लाइंस इज अ सोनेट, यानी कि एक ऐसा पोएम जिसमें कितना लाइन हो जो उसको सोनेट कहेंगे हम, यानी कि सोनेट जो होता है उसमें कितना लाइंस होते हैं, तो उसमें होते हैं 14 लाइंस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, यानी कि एक सोनेट में कितने लाइंस होते हैं, तो 14 लाइंस होते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट डैश लाइंस आर कॉल्ड ऑक्टेव, तो ऑक्टा मतलब होता है आठ, यानी कि जो सोनेट है उसमें 14 लाइंस, उसमें जो पहला जो शुरुआत का जो 8 लाइंस होता है उसको बोलते हैं ऑक्टेव, यानी कि फर्स्ट 8 लाइंस, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि सोनेट में 14 टोटल लाइंस होते हैं, उसमें 8 लाइंस ऑक्टेव, तो बचा 6 लाइंस, तो जो लास्ट 6 लाइंस है उसको क्या बोलते हैं, सेस्टेड बोलते हैं, यानी कि लास्ट 6 लाइंस आर नोन एज सेस्टेड, यानी कि लास्ट का जो 6 लाइन है उसको क्या कहा जाता है, सेस्टेड कहा जाता है, तो आप इसको जरूर ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इमेजेस एंड प्रेजेस ऑफ डैश रन थ्रू बोथ द स्टेंजास, यानी कि जो सोनेट है उसमें दो स्टेंजा था, एक 8 लाइन का एक 6 लाइन का, तो इसमें जो है इन दोनों स्टेंजाज में किसके बारे में यहाँ पे प्रशंसा किया गया है, तो किसके बारे में किया गया, इंग्लैंड के बारे में, क्योंकि वो इंग्लैंड से ही बिलोंग करते थे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। नेक्स्ट द पोएट वॉज अ डैश, द पोएट वॉज अ डैश, पोएट क्या थे, तो एक सोल्जर थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, सैनिक थे वो। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हु वॉज गोइंग टू फॉरेन कंट्री, यानी कि कौन जो है विदेश जा रहे थे, दूसरे देश जा रहे थे, तो कौन जा रहे थे, सोल्जर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है द स्पीकर इज नॉट अफ्रेड ऑफ, द स्पीकर इज नॉट अफ्रेड ऑफ, यानी कि स्पीकर को, यानी कि जो सोल्जर है उसको डर नहीं लगता है, डर नहीं लग रहा था किससे, तो डेथ से, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। वैसे भी जो सोल्जर होते हैं उसको डेथ से डर नहीं होता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हु वॉज द मोस्ट हैंडसम मैन ऑफ इंग्लैंड, हु वॉज द मोस्ट हैंडसम मैन ऑफ इंग्लैंड, यानी कि इंग्लैंड का कौन बहुत ही सबसे ज़्यादा खूबसूरत
आदमी है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रूपर्ट ब्रूक। तो ध्यान रखेंगे ये मोस्ट हैंडसम मैन ऑफ इंग्लैंड, रूपर्ट ब्रूक को कौन कहते हैं, तो डब्ल्यू बी यीट्स कहते हैं। ध्यान रखेंगे डब्ल्यू बी यीट्स कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हु सेड द पोएट दैट यू आर द मोस्ट हैंडसम मैन ऑफ इंग्लैंड, यानी किसने कहा पोएट को, यानी सैनिक को, जो आप जो हैं इंग्लैंड के मोस्ट हैंडसम मैन हैं, तो कौन कहते हैं। अभी जैसे कि मैंने बताया ऑप्शन नंबर बी डब्ल्यू बी येट्स। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो कह रहा है द पोएम डैश इज अ सोनेट, द पोएम डैश इज अ सोनेट, यानी कि कौन सा पोएम एक सोनेट है, तो कौन सा है जिस पोएम के बारे में अभी बात कर रहे हैं, कौन द सोल्जर, एक क्या है सोनेट है, यानी कि इसमें टोटल 14 लाइंस है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है द सोल्जर इज अ डैश पोएम, द सोल्जर इज अ डैश पोएम, द सोल्जर ऐसा पोएम है तो वॉर पोएम भी है और पैट्रियोटिक भी है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए एंड बी बहुत इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि द सोल्जर जो है वो कैसा पोएम है, तो वॉर पोएम भी है और पैट्रियोटिक पोएम भी है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है द सोल्जर डील्स विद, यानी कि सोल्जर जो है वो डील्स कर रहा है किससे, डील मतलब किसके बारे में वर्णन कर रहा है, तो ये वर्णन कर रहा है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि स्कॉटलैंड के बारे में वर्णन कर रहा था। ध्यान रखेंगे ब्रिटेन एक द्वीप है जिसमें एक स्कॉटलैंड है, एक वेल्स है और एक इंग्लैंड है। तो ध्यान रखेंगे ब्रिटेन एक द्वीप है जिसमें स्कॉटलैंड आता है, वेल्स आता है और इंग्लैंड आता है, तो इसमें जो है सोल्जर जो है डील्स कर रहा है, वर्णन कर रहा है, बता रहा है किसके बारे में, स्कॉटलैंड के बारे में, ध्यान रखना है इसको। तो स्कॉटलैंड ब्रिटेन का ही एक पार्ट है। अगला क्वेश्चन जो कह रहा है रूपर्ट ब्रूक्स फादर वॉज अ डैश एट रग्बी स्कूल, यानी रूपर्ट ब्रूक के जो पिता थे वो क्या थे एक रग्बी स्कूल में, तो हाउस मास्टर थे, यानी कि निरीक्षक थे, यानी कि हाउस मास्टर को बोलते हैं निरीक्षक, यानी कि देखभाल करने वाले थे। चले अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है द प्लेस वेयर द सोल्जर वुड बी ब्यूरीड शुड बी ट्रीटेड एज द पार्ट ऑफ डैश आफ्टर हिज डेथ, यानी कि ऐसा जगह है जहाँ पे सोल्जर को दफनाया जाए उसको किसके रूप में, द प्लेस वेयर, यानी कि ऐसा जगह जहाँ सोल्जर वुड बी ब्यूरीड, यानी कि सोल्जर को दफनाया जाए शुड बी ट्रीटेड, उसको इस तरह से ट्रीट करना चाहिए एज द पार्ट ऑफ डैश, यानी कि कहाँ का पार्ट के रूप में उसको ट्रीट करना चाहिए, तो इंग्लैंड के पार्ट के रूप में, यानी कि जहाँ पे भी उसको दफनाया जाए उस वो जगह जो है वो मिट्टी किसकी हो, इंग्लैंड की हो, ऐसा इसमें बताया गया है। तो यहाँ पे राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द पोएम द सोल्जर गिव्स अस अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ डैश, यानी कि द पोएम जो है सोल्जर जो पोएम है इसमें एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेंस देता है किसका, तो पैट्रियोटिज्म का, यानी कि देशभक्ति का, राष्ट्रभक्ति का। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है रूपर्ट ब्रूक इंस्पायर्ड पैट्रियोटिज्म इन द अर्ली फेज ऑफ द डैश, यानी कि रूपर्ट ब्रूक के अंदर जो है राष्ट्रभक्ति से वो प्रेरित हुए, तो किसमें, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के शुरुआती फेज में, यानी कि अर्ली फेज में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अर्ली फेज में उसके अंदर राष्ट्रभक्ति से वो क्या हो गए, प्रेरित हो गए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन कह रहा है द वर्ड कंसील्ड स्टैंड्स फॉर, यानी कि वर्ड जो इस पोएम में वर्ड जो आया है सोनेट में कंसील्ड, उसका क्या मतलब होता है, तो